शुरुआत में आपको तीन चार न्यूज़ दो दो लाइन में बता के निपटा देता हूँ। उत्तराखंड में जो आग लगने की घटना थी वो पूरी तरीके से फेक थी। उत्तराखंड पुलिस ने खुद कहा है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, जो ये सब अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ पे आग लग गई है। क्योंकि लेफ्ट मीडिया और लेफ्ट जितने भी हैं उनको एक मौका मिल गया था सरकार को क्रिटिसाइज करने का कि देखो देखो आग लग गई, सरकार मैनेज ही नहीं कर पा रही, ना कोरोना ना ये जो लॉकस्ट हुआ था और मतलब टिड्डे, और अभी फिर ये आग लग गई और भूखमरी और माइग्रेंट, किस तरीके से सरकार को झुकाना है। दूसरी न्यूज़ ये थी कि वियतनाम में 1200 साल के आसपास पुराना एक शिवलिंग मिला है, एएसआई ने ढूंढ निकाला है। आपको दिख रहा होगा विश्व हिंदू परिषद का ये ऑफिशियल हैंडल जिसके द्वारा ट्वीट किया गया, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ या तो आप पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। लिखा है, कन्याकुमारी में ईसाई मिशनरियों के विरोध के कारण रस्सियों से बंधी भारत माता मूर्ति को संग विहिप व अन्य हिंदू समाज के अथक प्रयासों से आज पुनः अनावृत किया गया है। मतलब ईसाई मिशनरियों की इतनी औकात भारत में रह के भारत माता की मूर्ति को बांध के रखना, और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, मतलब अब तक संघ आके इंटरवीन करे, हिंदू समाज एग्रेशन में आए और फोर्सफुली कोशिश करे कि नहीं, मतलब ये तो प्रूफ हो रहा है ना, ये इसके लिए कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो रहा है, उसकी तो भारत माता माँ नहीं है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। चलो तुम माँ नहीं मान सकते, ठीक, तुम उसके लिए एक स्टेप ले सकते हो कि अगर भारत तो है वो, मतलब मान ही मानोगे, भारत को रिप्रेजेंट अगर कोई मूर्ति करती है तो तुम उसके लिए स्टेप नहीं ले सकते? कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर तो था नहीं, हिंदू तो चलो भारत माँ मानता है, ठीक। अब मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदू होने की डेफिनेशन क्या होती है, और उससे एक चीज़ तो प्रूफ हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, और अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं माना गया तो भारत का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। खैर, वो अगर आपको देखना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आप कभी भी मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन। हमारे देश में हमारी आस्था के साथ, हमारे देश की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर ले, हम लोग एक इंक्वायरी की डिमांड करते हैं बस, अगले को खौफ ही नहीं है। आप समझ के चलिए कि हो क्या रहा है, आपको अपने देश में ही घेरने की कोशिश हो रही है और आप बस चुपचाप एक ही दूसरे को, अभी देखना मेरी इसी वीडियो की कमेंट में कोई सेकुलर हिंदू आएगा और मुझको ही गलत साबित करने की कोशिश करेगा। मतलब सेकुलरिज्म में और बेवकूफ़ी में धागे मात्र का भी फ़र्क अब मिट गया है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन आज की डेट में बदल गई है। सेकुलरिज्म मतलब मुस्लिम अपीजमेंट, बस इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मैं सेकुलर नहीं हूँ, मेरा चैनल सेकुलर नहीं है, इसमें कोई वीडियो सेकुलर नहीं मिलेंगी, आप कभी भी रहना रहिए, नहीं रहना मत रहिए, लेकिन मैं इन सब मुद्दों पे बात करूँगा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और एक मेरा और चैनल है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर ले, मैं लिंक नीचे दे दूँगा, और दो वीडियो अब तक अपलोड किए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बातें करता हूँ। मैं हर वीडियो में अब बताऊँगा आपको कि मैंने चैनल बनाया है, उसमें वीडियो डालता हूँ वगैरह वगैरह, मैं लिंक आपको हर वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, डिस्क्लेमर यही है हर बार की तरह, जिसको गाली गलौज से परहेज और सोफिस्टिकेटेड भाषा जैसे मैं अभी यूज़ करता हूँ मत सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत जाना, दिक्कत हो जाएगी, शायद आप उसके बाद मुझे जज करने लग जाएं। खैर, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।